नमस्कार, ओम साई राम। व्यापार में सफलता का एक महत्वपूर्ण टिप्स मैं आज आपको कार्यक्रम धनवान बनने के चमत्कारिक उपाय में देने जा रहा हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण टिप्स है। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है नज़र दोष का। लोगों के व्यापार पर नज़र लग जाती है, चलता हुआ व्यापार रुक जाता है, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बैंकों का कर्जा बढ़ जाता है, ओवरड्राफ्ट बढ़ता रहता है, ब्याज का पैसा जाता रहता है तथा व्यापार जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। कहीं दुकानें तो बंद हो जाती हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज और मॉल्स जो हैं धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उससे निपटने के लिए एक बहुत सटीक नींबू से संबंधित उपाय है। ये जो नींबू होता है ये बड़ा कारगर होता है। इस नींबू का अगर उपाय आप करते हैं तो आपके व्यापार को आप नज़र दोष से बचा सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नज़र दोष से बचने का एक सटीक उपाय, आपके व्यापार को बचाने का एक सटीक उपाय। इस उपाय को करने से आपके जीवन में निश्चित तौर पर बहुत सारी परेशानियाँ दूर होगी, आपका व्यापार वापस से चलने लगेगा, व्यापार बढ़ने लगेगा, प्रोग्रेस होने लगी। तो आइए जानते हैं नींबू से संबंधित क्या उपाय है जिससे कि हम अपने व्यापार को नज़र दोष से बचा सकें। व्यापार को नज़र से बचाने के लिए आपको क्या करना है, नींबू के चार टुकड़े करना है। चार टुकड़े करने के बाद आपको थोड़ी सी पीली सरसों, एक कागज़ लीजिए, उसमें चारों टुकड़े रख दीजिए। चारों टुकड़े रखने के बाद जो है थोड़ी सी पीली सरसों डालिए। फिर आपको 21 लौंग जो है उसमें डालना है और 7 काली मिर्च आपको उसमें डालना है। 21 लौंग, 7 काली मिर्च, ये चारों चीज़ें बांधकर आप अपने व्यापार स्थल पर कहीं भी एक कोने में रख दीजिए। शाम के समय आपको क्या करना है, काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े में वो सारी सामग्री बांधना है। 1 या 2 घंटे आपको अपने व्यापार स्थल पर रखना है। उसके बाद व्यापार स्थल पर जब आपका जो शटर होता है या जो दरवाज़ा होता है, आप बाहर की तरफ आइए, 7 बार उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको घुमाइए, जैसे नज़र उतारते हैं आप, उसी तरह से 7 बार अपने व्यापार स्थल की जो है क्लॉकवाइज घुमाकर आप उसकी नज़र उतारिए। नज़र उतारने के बाद उस कपड़े को किसी सूखे कुएं में लेके जाइए। पता कर लीजिए पहले कि कहाँ है सूखा कुआं जिसमें बिल्कुल पानी ना हो, उस सूखे कुएं में ले जाकर आप डाल दीजिए। यह आपको महीने के फर्स्ट शनिवार या अमावस्या के दिन करना है। आप अमावस्या महीने में एक बार आती है, आप उस दिन इसको कर सकते हैं। और आप अगर अमावस्या पे ना कर सकें तो शनिवार के दिन करना है। ऐसा करने से आपके व्यापार से संबंधित जो दोष हैं, जो नज़र दोष हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं तथा रुका हुआ व्यापार चलने लगता है, आपको लाभ होने लगता है। दोस्तों, इस तरह के छोटे छोटे उपायों के माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र के या वास्तु शास्त्र के या तंत्र शास्त्र के इन उपायों के माध्यम से हम आपके जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। लाखों लोग साईं अन्नपूर्णा सोशल फाउंडेशन से जुड़े हैं। हम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पर भी काम करते हैं। यदि आपको कोई लाइलाज बीमारी है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, वास्तु से संबंधित, तंत्र से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम समाज सेवा के कार्य भी करते हैं। यदि आपके आसपास कोई सीनियर सिटीजन ऐसा हो कि जिसका कोई भी ना हो तथा उसको खाने की दिक्कत हो, भोजन की दिक्कत हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम भोजन उन्हें उन तक पहुँचाने का कार्य भी कर सकते हैं। यह जरूर है कि कुछ शहरों में हमारी यह योजना है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, आप अगर हमें बताएंगे कि आपका कोई दूरस्थ स्थल पर अगर कोई बुजुर्ग होगा तो हम प्रयास करेंगे कि किसी के माध्यम से उसकी हम सेवा जरूर करें। धन्यवाद। ओम साई राम। जीवन को सफल एवं आनंदमय बनाने के लिए सब्सक्राइब करें वास्तुगुरु मनीष साई यूट्यूब चैनल पर।